हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बर्मा सेल्फ मैक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि माइक्रो अल्टरनेटर के कटआउट को कैसे चेक करें। तो दोस्तों, अक्सर आपके ट्रैक्टर का अल्टरनेटर ख़राब हो जाता है, तो उसे आप अपने घर पे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने अल्टरनेटर को खोलेंगे तो उसमें कटआउट भी होगा। तो दोस्तों, उस कटआउट को कैसे चेक करेंगे वो आज आपको हम बताएँगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि जो भी जानकारी है वो पूरी आपके समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है माइक्रो अल्टरनेटर का कटआउट। तो दोस्तों, इसे चेक करने के लिए हमें चाहिए होता है 12 वोल्ट बैटरी का सप्लाई और एक टेस्टिंग लैंप। तो दोस्तों, ये है 12 वोल्ट बैटरी की सप्लाई। तो दोस्तों, इसमें जो ब्लैक वायर है वो है हमारा निगेटिव और जो रेड वायर है वो है पॉजिटिव। तो दोस्तों, ये है हमारे पास टेस्टिंग लैंप। तो दोस्तों, इसे चेक करने के लिए हम टेस्टिंग लैंप का एक वायर लेंगे और एक बैटरी का पॉजिटिव वायर। तो उन दोनों को एक में जोड़ देंगे और उसके बाद हमारे पास बचेगा एक निगेटिव वायर बैटरी का और एक टेस्टिंग लैंप का वायर। तो दोस्तों, बैटरी का जो निगेटिव वायर है उसे हम कटआउट के ग्राउंड वाली पत्ती में लगा देंगे और जो हमारे पास टेस्टिंग लैंप का वायर बचा है उसे हम नीचे वाले कार्बन में लगाएंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से कटआउट रखा है उसके नीचे वाले कार्बन में हम इस वायर को लगा देंगे, टेस्टिंग लैंप के वायर को। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है। तो दोस्तों, ये बल्ब हमारा जल रहा है, ये कटआउट हमारा सही है, लेकिन दोस्तों ये अभी पूरी तरीके से चेक नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब चेक करेंगे इसमें हम कि ये कटआउट कट कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा पॉजिटिव वायर है इसे हम ऊपर वाले कार्बन में लगाएंगे तो बल्ब हमारा तेज़ होगा। तो दोस्तों, ये बल्ब हमारा तेज़ हो रहा है तो ये सही है। अब हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, अब हम एक बैटरी लेंगे जो कि है हमारी 3.7 वोल्ट की। तो दोस्तों, ये जो हमारे पास बैटरी है इसका निगेटिव वायर हम लेंगे और उसे हम बैटरी के 12 वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव वायर में लगाएंगे। तो दोस्तों, इस बैटरी को लगाने से हमारे पास हो गए हैं 15.7 वोल्ट। तो दोस्तों, ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इसके वोल्टेज को बढ़ाकर इसमें देखें कि ये कट कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, अब इसे हम ऊपर के कार्बन में इस वायर को लगाएंगे तो बल्ब हमारा बंद होना चाहिए। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा बल्ब बंद हो रहा है तो ये कटआउट हमारा बिल्कुल ही सही है और ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो हमने सही कटआउट को चेक करके आपको दिखाया और अब एक हमारे पास ख़राब कटआउट है उसे भी हम चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार हम बैटरी का नेगेटिव वायर को जो है उसके ग्राउंड में लगा लेंगे और उसके बाद में नीचे वाले कार्बन पे हम टेस्टिंग लैंप का वायर लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बल्ब हमारा नहीं जल रहा है तो इसका मतलब है ये कटआउट हमारा ख़राब है। तो दोस्तों, ये कटआउट हमारा ख़राब है तो इसे बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।